प्रणाम मित्रों, कुलदीप अवतरण क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, इससे पहले अपन ने जयपुर प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, जोधपुर प्रजामंडल है और बीकानेर प्रजामंडल है, इनके बारे में बात कर ली है। अब कुछ और प्रजामंडल बसते हैं, इनके बारे में बात करें तो देखेंगे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में हुई है। 1938 में कौन सा प्रजामंडल है? भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी, और इसका जो अध्यक्ष था गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, किशन लाल जोशी, इसके नेतृत्व में भरतपुर प्रजामंडल, अध्यक्ष बना गोपीलाल यादव, अध्यक्ष था गोपी लाल यादव, अध्यक्ष गोपीलाल यादव। भरतपुर कांग्रेस मंडल की नींव है भरतपुर कांग्रेस मंडल की नींव ये रखी थी गोकुल वर्मा ने। किसने रखी? गोकुल वर्मा ने। इस गोकुल वर्मा को भरतपुर की राजनीति का विश्व पितामह, भरतपुर का बूढ़ा शेर, भरत शेर भरतपुर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है गोकुल वर्मा को? भरतपुर राजनीति का पितामह, भरतपुर राजनीति का पितामह, भरतपुर का बूढ़ा शेर और शेरे भरतपुर, शेर ए भरतपुर, इनकी कुछ उपनाम है। इसके बाद में मार्च 1939 में, मार्च 1939 में ठाकुर देशराज की पत्नी, ठाकुर देशराज की पत्नी है श्रीमती देवी, श्रीमती देवी, श्रीमती देवी के नेतृत्व में भरतपुर प्रजामंडल, किसके नेतृत्व में? इसके नेतृत्व में अपन बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की गतिविधियों ने प्रजामंडल की मान्यता है तो संघर्ष किया था इतने, मतलब यहां पर ये संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष किया इसने, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आड़ोती प्रजामंडल। आड़ोती प्रजा मंडल, देखो साहब, आड़ोती प्रजामंडल की अपन बात करें 1934 में नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा के द्वारा ये क्या होता है, स्थापित होता है हाड़ोती प्रजामंडल। इसके बाद में है कोटा, कोटा प्रजा मंडल, कोटा प्रजामंडल है ये, देखिए आप कोटा प्रजामंडल 1939, 1939 आड़ोती प्रजामंडल के निष्क्रिय होने के बाद में पंडित नैनू राम शर्मा व अभिन्न हरि, पंडित वही है नैनू राम शर्मा व अभिन्न हरि, इसके द्वारा क्या किया गया था, कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी 1941 में, 1941 में नैनू राम की हत्या हो जाती है। नैनू राम की हत्या के बाद में अभिन्न हरि इसके अध्यक्ष बनते हैं, अभिन्न हरि अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन,
कोटा प्रजामंडल का प्रथम प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन नैनूराम के अध्यक्षता में, नैनूराम की अध्यक्षता में मांग रोल 12 में हुआ। कहां पर हुआ? मांग रोल 12 में पहला अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन होता है। इसके बाद देखेंगे अपन तो और क्या महत्वपूर्ण बात होती है। ये तो बात हो गया आपकी हाड़ोती और कोटा के संदर्भ में। इसके बाद में आता है अलवर। अलवर, अलवर में देखिए, अलवर की 1938 1938 में हरि नारायण व कुंज बिहारी मोदी, हरि नारायण व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना हुई। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए चंदा वसूल किया जा रहा था जनता से, जिसका जनता ने विरोध किया। और यहां पर अलवर प्रजामंडल के जो सदस्य हैं, जिनका नाम है भोलेनाथ, और भोलेनाथ के नेतृत्व में यहां पर एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नाम था गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। इसके बाद में है करौली, करौली प्रजा मंडल, करौली प्रजा मंडल है। इसकी स्थापना अपन देखेंगे 1939 में त्रिलोक माथुर, 1939 त्रिलोक माथुर, त्रिलोक माथुर के द्वारा इसकी क्या करी गई, स्थापना करी गई। देखिए भरतपुर प्रजामंडल है 1938 में किशनलाल जोशी के द्वारा स्थापना अध्यक्ष बनाया गया, गोपीलाल यादव को। भरतपुर कांग्रेस मंडल की नींव गोकुल वर्मा के द्वारा रखी गई। गोकुल वर्मा को भरतपुर राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं, भरतपुर का बूढ़ा शेर कहते हैं, शेरे भरतपुर कहते हैं। मार्च 1939 में ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती देवी ने इसकी मान्यता हेतु, भरतपुर प्रजामंडल के मान्यता हेतु यहाँ पर क्या किया, संघर्ष किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाड़ोती प्रजामंडल, 1934 में स्थापना नैनू राम शर्मा के द्वारा। ये हाड़ोती प्रजामंडल निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद में कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है पंडित नैनूराम शर्मा व अभिन हरि के द्वारा। 1941 में नैनूराम शर्मा की हत्या हो जाती है और इसका अध्यक्ष कौन बनता है, अभिन हरि। और कोटा प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मान रोड 12 में हुआ था। अलवर प्रजामंडल है 1938 में हरि नारायण व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना हुई। यहाँ पर 1940 के समय की बात है और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और इस विश्व युद्ध में अपन जो थे ये इंग्लैंड के उपनिवेश थे, और यहाँ पर अंग्रेज हैं ये चंदा वसूल कर रहे थे तात्कालीन शासकों के मार्फत। और यहाँ पर भोलेनाथ है, इसने इसका विरोध किया और एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम है गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है। करौली प्रजामंडल की स्थापना है 1939 में त्रिलोक माथुर के द्वारा। कौन से मंडल की स्थापना हुई, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। आगे देखिए करौली प्रजामंडल के बाद देखिए करौली प्रजामंडल,
के बाद में अपन बात करेंगे सिरोही पर काम की। सिरोही प्रजा मंडल, सिरोही प्रजा मंडल 1935 के अंदर, 1935 के अंदर मुंबई में सिरोही के विद्यार्थियों द्वारा, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। कब होती है? 1935 में, 1938 39 में, 1938 39 में इसका पुनः गठन होता है। 1938 39 में पुनः गठन कौन करता है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट इसका क्या करता है, जिसे राजस्थान का गांधी के रूप में इसको जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी है ये कहा जाता है। और इन्हीं के प्रयासों से, माउंट आबू व दिलवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ, बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको गुजरात में मिलाना चाहते थे। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए शाहपुरा पर जाऊंगा, शाहपुरा, प्रजा मंडल, शाहपुरा प्रजा मंडल है, इसकी स्थापना 1938 में होती है। 1938 में रमेश चंद ओझा लादूराम व्यास, रमेश चंद ओझा लादूराम व्यास, रमेश चंद ओझा, राधुराम व्यास, अभय सिंह डांगी, अभय सी है डांगी, इनके द्वारा कौन से प्रजामंडल की स्थापना होता है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना। देखिए शाहपुरा में और क्या महत्वपूर्ण बात होती है, राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत दो 14 अगस्त 1949 को यहां का राजा था सुदर्शन देव ने पूर्णतः शासन की स्थापना की। सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी, साहब पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना है यहां पर हुई। किसके द्वारा? सर्वप्रथम यहां पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है और शासक कौन था? सुदर्शन देव। शाहपुरा प्रजामंडल की अपन बात कर रहे हैं, शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में देखिए जैसलमेर, प्रजा मंडल, जैसलमेर प्रजामंडल है 1945 में मिठालाल व्यास, 1945 में मिठा लाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और यहां पर सागरमल गोपा है ये जुड़े हुए थे, सागरमल गोपा इनको पता है आपको, सागरमल गोपा है, इनको यातनाएं देकर के मार दिया गया था, जला करके जेल में, केंद्रीय जेल में जला करके। और सागरमल गोपा ने जन जागृति हेतु यहां पर विभिन्न पुस्तकालयों की स्थापना करी, विभिन्न पुस्तकालयों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जयपुर प्रजामंडल में सागरमल गोपा के द्वारा। अब है किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौहानी, 1939 में कांतिलाल चौहानी या चौधानी
के द्वारा किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किशनगढ़ के बाद में, तो यहां पर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, ये देखिए 1943 में भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, 1943 में भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, भूपेंद्र लाल त्रिवेदी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहां पर और क्या महत्वपूर्ण बातें बने, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल है ये देखेंगे 1945, 1945 में, और चुन्नीलाल अमृतलाल, चुन्नीलाल व अमृत लाल के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजा मंडल, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में करी जाती है, और ये है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल हिंदू, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरी लाल इंदु, ठीक है सर। इसके बाद में है बूंदी, बूंदी प्रजा मंडल, बूंदी प्रजामंडल की बात करें 1931 में है कांतिलाल, कांति लाल। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजा मंडल है, और डूंगरपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना होती है ये 1944 में होती है, भोगीलाल पांड्या, भोगी लाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। देखिए दो तीन बातें हैं, इसको वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहते हैं, इसको वागड़ का गांधी कहते हैं, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, चिड़ावा का गांधी चिड़ावा झुंझुनू का गांधी है, ये है आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। और वर्तमान में अपन बात करें राजस्थान का आधुनिक गांधी या जोधपुर का गांधी है, ये किसे कहा जाता है, अशोक गहलोत को कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। सिरोही प्रजामंडल है 1935 में इसकी स्थापना बंबई में सिरोही के विद्यार्थियों द्वारा होता है, और 1938-39 में पुनर्गठन होता है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, राजस्थान का गांधी कहते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से माउंट आबू और दिलवाड़ा राजस्थान में क्या होता है, विलय होता है। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह ढांगी के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है, और राजस्थान की एकमात्र प्रथम रियासत है, पहली रियासत है जिसने 14 अगस्त 1939 को यहाँ का जो शासक था सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर प्रजामंडल है 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। देखिए जोधपुर में स्थापना हो रही है जैसलमेर प्रजामंडल की। सागरमल गोपा ने यहाँ पर जनता में जनजागृति हेतु विभिन्न प्रयास किए और विभिन्न पुस्तकालय की स्थापना करी। किशनगढ़ प्रजामंडल है 1939 में कांतिलाल चौघानी के द्वारा स्थापना। बांसवाड़ा प्रजामंडल है 1943 में भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल है 1945 में चुन्नीलाल व अमृत लाल के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल है 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जोरीलाल इंदु, और बूंदी प्रजामंडल है 1931 में कांतिलाल, और डूंगरपुर प्रजामंडल है 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। देखिए मित्रों ये प्रमुख बातें जो थी ये प्रजामंडल के संदर्भ में थी। आपको मुख्य चाहे जो डेट याद रखनी है, अब ये तीसरी क्लास के अंदर जो संस्थापक सदस्य हैं वो तो आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन मुख्य चाहे जो डेट याद रखनी है वो आपको जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़, इनकी प्रमुखता क्या रखनी है, डेट याद रखनी है, इन्हीं की डेट पूछी जाती है, और इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन।
इसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अगली क्लास में। धन्यवाद मित्रों।